અરે અહીંયાથી નહીં ઉપરથી મૂકવાની છે, આખો ફૂલ હાથ ભરીને મૂકવાની છે, ભાઈના મેરેજ છે. હેલો એવરીવન, ઈટી કે આપકે એક્ઝામ જા રહે છે તો આજ મેં આપકો ક્વિકલી ગાઈડ કર દેતી હું કે ઈટી કે એક્ઝામ કે લિયે આપકો કિસ તરીકે સે પ્રિપરેશન કરની હૈ. दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप चले जाओगे हमारे यूनिट नंबर 1 के सुपर रिवीजन सेशन में, जहां पे आप क्विकली पूरा सुपर रिवीजन सेशन अच्छे से देख लो, जिसमें आप डिस्क्रिप्टिव भी प्रिपरेशन कर सकते हो और साथ में एमसीक्यू ओरिएंटेड कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हो. देन आफ्टर आप प्रिपेयर करोगे यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यू को. उसके बाद आपको यूनिट नंबर 2 पे चले जाना है, जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा सेशन देख लोगे हमारा सुपर रिवीजन सेशन यूनिट नंबर 2 का, और उसके बाद यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यू को आपको अच्छे से देख लेना है. उसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटी के पेपर को जब अटेम्प्ट करते हो तब आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, जब भी आप पेपर को प्रिपेयर करते हो, पेपर लिखते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से पहले से देख लो, ताकि ईईटी में ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ट्विस्टिंग भी हो सकता है और आपका आंसर गलत ना हो, इसलिए आपको पहले से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एंड देन आफ्टर आंसर लिखना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके. इवन दो जब हमने रिविजन सीरीज डिस्कस किया था, उसी में मैंने आपको बोल्ड और हाईलाइट करके बहुत सारे वर्ड्स दिए थे, की वर्ड्स दिए थे. जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप अपने पेपर में उन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करना, ताकि पेपर चेकर की नजरों में वो तुरंत से आ जाए और आपको वो अच्छे अच्छे मार्क्स दे पाए. और काफी सारे कंटेंट, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे सपोज कि जिसके आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो पेपर के आंसर को स्किप मत करना, आंसर कंपलसरी लिख देना. उस चैप्टर, उस यूनिट ओरिएंटेड आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख देना, ताकि आप अपना स्कोर कर पाओ. सुपर रिविजन सीरीज ईईटी के और बाकी सारे सब्जेक्ट के हमारी सास मां स्टडी ऐप पे अवेलेबल है, और उसकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि आप सारे सेशन अच्छे से देख पाओ. आगे के पेपर्स के लिए और सबके लिए ऑल द बेस्ट. बाय.